हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको देने वाली हूँ एक खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि आज मैं जा रही हूँ घर। जी हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली सरहुल, ईद, सबका छुट्टी हमें मिल चुका है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ घर एंड आई एम वेरी हैप्पी। बाय बाय। हाँ जल्दी आएंगे। ओके, तुम कब आओगी वापस? हम 14 या 15 को भी चले जाएंगे। गंदी लगी। ओए बाय गाइस, श्वेता विल मिस यू ऑल। यस। ये जो थैला वाला बोझा दिख रहा है आपको, वही रितुआ जिसका हम कल ब्लॉग डाले थे, वही हमको दिए उसके घर में देने के लिए। कैसा कैसा दोस्त मिल जाता है ना गाइस, क्या बताएं। इसी के साथ मेरा सफ़र हुआ शुरू। नहीं नहीं, यात्रा वाला सफ़र नहीं, उल्टी वाला सफ़र। जी हाँ, सफरिंग की मैं बात कर रही हूँ। फाइनली मैं हज़ारीबाग अपने डेस्टिनेशन पहुँच गई और कॉल लगा लिया पापा को। पापा जल्दी जल्दी आए और मुझे पिक किया घर की ओर। और घर पहुँचते टाइम तो भाई मेरी खुशी अलग ही लेवल की होती है। मैं घर पहुँच चुकी हूँ और घर पहुंचने के साथ ही कुछ हो गया था मेरे केयरलेसनेस की वजह से, तो उसके लिए मेरा मूड थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई आके, क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन चल रहा था। बट अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत सॉर्ट हो गया है मैटर। गाइस, मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल बिरयानी, मैंने ये रायता बनाया घर आके, मखाना रायता, और अभी हम लोग तीनों बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। गाइस रात हो गई है, अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हम मम्मी और पापा जा रहे हैं बाज़ार घूमने, क्योंकि कल ईद है तो ईद के अवसर पे पूरा बाज़ार अभी बहुत सुंदर से सजाया हुआ होगा और बहुत भीड़ होगा इतने रात में भी। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बाज़ार घूमेंगे, फिर थोड़ा खुले हवा में मस्त सांस लेंगे, उसके बाद कुछ खा पी के घर आ जाएंगे। गाइस कचकचा के भीड़ है आज मार्केट में, ये देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। गाइस बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स वगैरह का स्टॉल भी लगा हुआ है ईद के अवसर पर। मुझे लेने का मन हो रहा है लेकिन जगह नहीं है। गाइस ये देखिए कितना भीड़ है मार्केट में। गाइस हम लोग यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं। दाराओ गाइस, ये हम लोग का फेमस झील है हज़ारीबाग। पीपल लव्स दिस प्लेस, यू नो। और इस झील से हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मतलब जब भी मैं हज़ारीबाग आती हूँ अभी भी, तो ऐसा है कि मतलब ऑलमोस्ट हर दिन झील तो आना ही है भाई। ये झील बहुत बड़ा है, यहाँ पे छठ भी होता है और गर्मी के टाइम पे, अभी तो खैर बहुत रात हो गया और कल ईद है इसीलिए आज भीड़ नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम पे 10:30-11 बजे तक यहाँ पे भीड़ रहती है। लोग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगता है, चाय कॉफ़ी हर चीज़ का, मेला जैसा। हाँ बहुत सुंदर लगता है एकदम भाई, हज़ारीबाग का दिल है झील, बहुत सुंदर जगह है। आई विश कि रांची में भी इस टाइप का कोई जगह होता जहाँ पे हम लोग ऐसे ही शाम में आके थोड़ा गर्मी के दिन में हवा खा सकते थे, बट वहाँ पे नहीं है, बट हज़ारीबाग में है। और भाई प्यार है हमारा झील, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइटें दी गई हैं रोड के चारों तरफ और हर जगह बैठने का बेंच दे दिया गया है। और इसी के साथ व्लॉग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।